हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का समय और मैं भावना सो गए थे तो हम सो के उठ गए जस्ट अभी। और हम जा रहे हैं आज भावना को लेके शीतला माता के मंदिर। और हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, बाइक से नहीं जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं ऑटो से। कुछ रीजन है इसलिए हम ऑटो से जा रहे हैं। और माता रानी ने हमें बुलाया है इसलिए हम जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैया के यहाँ जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भावना हमारे साथ फर्स्ट टाइम जा रही है मैया के मंदिर, शीतला माता के मंदिर। देख सकते हो ये खड़े हैं, ये जना बैठ गए, लक्ष्मी जा रहा है। अचानक प्लान बना, पहले हम दोनों जा रहे थे, अभी हम चारों जा रहे हैं। मैंने बोला कि अब जा ही रहे हैं तो चलो चलते हैं। बस 9886 तो ये भावना है, जनाब लक्ष्य बैठ गया है, बस चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जनाब यहाँ पे नाराज बैठे हुए हैं थोड़े से। अब इनकी नाराज की जाएगी कहाँ, थोड़े बहुत नाराज होके आएंगे तो मेरे पास ही बोलने लगेंगे। तो बस नाराज इस बात को लेके हैं कि मेरा मन था कि मैं आज ही मंदिर जाऊं। मैं दिन में सो गई थी, उसके बाद जैसे ही उठी मैं तो मैंने बोला अभी मंदिर जाना है। जनाब बोल रहे थे नहीं आज, ऐसा क्या हो गया अचानक, कल जाएंगे। अब आप समझ सकते हो मैं वाइफ हूँ, वो हस्बैंड है, तो बात तो मैं मनवाऊंगी ही अपनी। तो गाइस आप देख सकते हो आज हम आए हैं शीतला माता मंदिर, क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं, हम दर्शन करने के लिए आज फिर आए हैं। और आज हम भावना को लेके आए हैं क्योंकि वो यहाँ आई हुई है, तो भावना को दर्शन कराने के लिए आए हैं। माता रानी का बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है ये, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। सुकून फील होता है जब भी मुझे अंदर से बैड फील होता है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं शीतला माता के मंदिर जाऊं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। वैसे मैं कल आने वाली थी लेकिन मैं दिन में सो गई, मुझे सपना आया बहुत अच्छा मैया रानी का, तो मैंने कहा नहीं अभी जाऊंगी मैं। अच्छा, तो अभी बहुत कुछ बन गया है ये देखो, यहाँ कपल बैठे हुए मंदिर में पूजा करने के बाद। लेकिन ये इंसान ऐसे है कि ये मेरे साथ कभी बैठते नहीं, बस पूजा करके चलो घर से, चलो घर से। तो मंदिर पूजा करने के लिए होता है, बैठने के लिए थोड़ी होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में और हम अब सही समय पे आए हैं लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मंदिर खुला हुआ है। आप भी दर्शन कीजिए माता रानी का, आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग भी। और आज एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं मैया रानी के हमें। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे, जो छोटे छोटे मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हो, हाय भावना, हेलो। और पहले यहाँ पे अभी बंद कर दिया गया, पहले यहाँ पे घर बनाते थे, यहाँ पे घर बनाते थे पहले यहाँ पे। और बोलना में से मान्यता है कि यहाँ पे घर बना के जाते हैं तो सारी मन्नतें आपकी पूरी होती हैं। पुराना मंदिर यहाँ था, यहाँ ये वाला मंदिर था पुराना वाला, ये नहीं, ये यही बोला है मैंने, पुराना वाला मंदिर ये था। इनको तो कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। यस यस, तो आपको आगे दिखाती हूँ यहीं से थोड़ा। अब जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, वहीं शनिदेव जी का भी मंदिर है। और हम लोग फूल और बाती लाए थे लेकिन बाहरी गार्ड कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करके वापस आ सकते हैं। फिर भी कुछ लोग ले आते हैं चोरी छुपे, तो यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं पर उन्होंने रोक रखा है, कोई भी कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। पर पता नहीं लोग क्यों नियमों को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पहले यहाँ पर बहुत सारी पांडाल लगी होती थी, यहाँ से पूरी परिक्रमा देके उधर दूर से होके निकलना पड़ता था, लेकिन अभी काम चल रहा है तो इसलिए यहाँ से खाली करा लिया। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, पहले ये पुराना मंदिर था। हाँ, तुम्हें तो याद हो तो हम जब सबसे पहली बार आए मुंडन होते थे यहाँ, फिर उसके बाद दोबारा हम आए तो हमको लगा कि ये भैरव बाबा इतनी दूर कैसे हो गए। यार वो प्रसाद कैसे लिया, वो प्रसाद कैसे लिया अंदर, पुलिस वाला बेच रहा है वो तो। अच्छा, चाहिए तो है ना।
तो हमने सब जगह के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही सुकून सा फील होता है जब भी मंदिर आते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है बस मैं यहीं बैठ रहूं आंखें बंद करके आधे घंटे, और जितना सुकून मंदिर में मिलता है ना उतना सुकून आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और बस मैं तो बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे शीतला माता के दर्शन करने को मिलते हैं और पास में ही है, तो जब भी मेरा मन करता है और जब भी मैं दुखी होती हूँ या कुछ भी होता है अंदर से वैसा फील, तो मैं दर्शन करने मैया रानी के आ जाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग लेके आ जाते हैं दियाबाती जो कि अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर वो लगा रहे थे, तो मैडम उससे कह रही थी कि ये कैसे लेके आ गए, तो उसी समय मैं उस गार्ड के पास प्रसाद लेने पहुंचा तो वो उस गार्ड ने उसको बाती लगाते हुए देख लिया था, तो वो कूद के वहां से गया, तो इनको लगा कि मैंने गार्ड को बोला है कि वो ये आइटम्स जो अलाउड नहीं है वो कैसे लेके आ गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। गार्ड ने जब उनको देख लिया था तो इसलिए वो दौड़ के गया, उनको बोलने गया कि मैडम ये अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे मत जलाइए। वो उसका कारण ये नहीं है कि कोरोना या कुछ, उनका कारण ये है कि वहाँ पर दान पेटियाँ रखी हुई हैं और कोई भी कहीं भी बाती लगा के चला जाता है, तो जो गार्ड है उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वहाँ पर जो दान का कैश है वो भी जल सकता है, इसलिए वो लोग मना करते हैं कि धूप बत्ती और कुछ भी जलाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं शिव जी भगवान के दर्शन करने, यहाँ काली मैया का मंदिर भी है, खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, तो यहाँ हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये मुझे ताक रही है कि पता नहीं लड़के को देख रही है, कुछ पता नहीं है। यहाँ मैं लक्ष्य को देख रही हूँ कि लक्ष्य कहाँ चला गया, क्योंकि लक्ष्य का कुछ पता नहीं रहता ना, कब आँख पलक चपकते ही गायब हो जाता है ये लड़का। और आपको तो पता है कि डर लगा रहता है, ये कहीं भी गायब हो सकता है, ये लड़का इस टाइप का लड़का है, जबकि वो पहले से ही मंदिर में मौजूद था। मैं क्या पता वो पहले ही मंदिर में आ गया, तो मैं ध्यान रखना पड़ता है ना यार, ध्यान रखना भी चाहिए बच्चों का, तो फिर कल आप मुझसे ही बोलोगे कि बच्चे का ध्यान नहीं रखा। तो मैं हूँ ना कैमरे के, मुझे पता था कि लक्ष्य अंदर ही है, तो आपको बोलना चाहिए था मुझे, मैं पागलों की तरह वो कर रही थी। और अभी आप देख सकते हो ये है पेड़, मंदिर में अंदर है और ऊपर छत भी है, तो ये ऊपर निकला हुआ है, तो यहाँ पे मैं पैसे लगा रही हूँ और हर बार जाती हूँ तो पैसे लगाती हूँ, बट इसका रीजन मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कि क्यों लगाते हैं, बट मैं लगा देती हूँ क्योंकि सब लोग लगाते हैं, तो मैं भी लगा देती हूँ। तो इंडिया में आधी से ज्यादा काम तो ये भेड़ चाल में ही होते हैं। भेड़ चाल नहीं जानू, बहुत लोगों को नहीं पता होते, ऐसा कुछ भी नहीं है, भेड़ चाल नहीं है जानू, ये ऐसे क्यों कर रहे हो यार, मेरा मन था कि मुझे भी लगाना है, तो बोलो बम बम बोले, बम बम बोले मस्ती में डोले। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं शिव जी भगवान पे जो जल चढ़ाते हैं ना, तो हमारे यहाँ मायके में ये होता था कि अपने घर से ही ये लोटा वगैरह लेके जाते थे, ऐसा कुछ भी होता था बर्तन जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी मंदिर मैंने देखे हैं गुड़गांव में, तो उन पे क्या मंदिर में ही आपको पानी मिलेगा और ये बर्तन मिलेंगे जल चढ़ाने के लिए, तो बस यहाँ पे बाल्टी रखी रहती है, उनमें पानी उसके पीछे कारण है, गांव में लोग बाग अपने घर से ला सकते हैं क्योंकि मंदिर ज्यादा दूर नहीं होता और गांव के सब लोग होते हैं, यहाँ पे सिटी में लोग आते हैं 25-25 किलोमीटर से, तो लोटा वहाँ से भर के लाएंगे, भर के नहीं लाएंगे पर खाली ला सकते हैं ना, तो वहाँ पे व्यवस्था करते हैं, वहाँ ज्यादा लोग आते रहते हैं। हाँ वही तो बस यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ और बहुत कम भीड़ थी तो दर्शन करने में बहुत आसानी थी। तो मंदिर के प्रांगण में ही एक पार्क था, हम वहाँ बैठे हुए थे, ऐसा हो नहीं सकता कि मैडम कहीं पार्क मिले और जाए नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ यहाँ पे, इन्होंने बोला कि ठीक है चलो बैठते हैं सुकून के पल दो, क्योंकि भावना साथ में थी, अकेले होती तो ये इतने बिल्कुल भी नहीं बैठने देते, इनको सिर्फ भागने की पड़ती है। तो आप देख सकते हैं, तो जब हम पार्क में बैठे थे तो ये कोई बाहर से बहुत दूर से लोग आए हैं जो माता के लिए अपना कुछ पालकी या ले जा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो लेके आए हैं, तो वो चढ़ाने के लिए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं, बिल्कुल बाजे ढपली के साथ में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है वो जो बजा रहे हैं, और पूरी लेडीज और सह परिवार के आए हैं आप देख सकते हैं। तो पार्क में हम लोग ना फोटो सेशन कर रहे थे, उसी दौरान मैंने ये वीडियो कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो अभी बैठे हैं हम मैया के दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ पालकी वगैरह कुछ निकल के गई है मैया रानी के दरबार में, देख सकते हो आप। और ये है माता रानी का दरवाजा जहाँ से आते हैं, और कितना बड़ा और कितना प्यारा ना, ये है गुड़गांव की शीतला माता का मंदिर। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, और जो भी आया है यहाँ पे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर देना कि आप लोग भी यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ रील्स भी बनाई हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, और मैं यहाँ नीचे भी मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव जी की मूर्ति भी है, तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलती हूँ।
तो आप देख सकते हो ये है शिव जी भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति, और इनके दर्शन नहीं किए तो फिर किसके दर्शन किए। तो बस हम यहाँ पे ही भावना फोटो क्लिक करवा रही है, और हम यहाँ दर्शन करने के बाद अब निकल जाएंगे घर के लिए। तो आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे माता रानी के, भगवान शिव जी के। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और जय माता दी, जय माता दी।